गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज उदयपुर में मेरा दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत मैंने सुबह 6:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक से की है। अक्सर मुंबई में कभी मैं इतना जल्दी उठता नहीं हूँ 6:30 बजे, लेकिन हाँ जब मैं कभी आउट स्टेशन पे घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं सनराइज़ को कभी मिस नहीं करता हूँ। और आज का सूर्योदय यानी कि सनराइज़ को मैंने शूट किया है। अगर इस वक्त क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ज़बरदस्त ठंडी है, लेकिन मुझे ठंडी अक्सर बहुत पसंद आती है। मैं विंटर सीज़न को बहुत इन्जॉय करता हूँ और रेनी सीज़न को बहुत इन्जॉय करता हूँ। आप मुझे विंटर में कहीं पर भी ले चलिए, मैं मुझे कोई स्वेटर की या ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे ये सीज़न बहुत 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 अच्छी लगती है और मैं इसे बहुत इन्जॉय करता हूँ। और अक्सर सर्दियों में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को उठ के वॉक करने जाने का भी एक अपना अलग मज़ा है, बहुत मज़ा आती है मुझे। तो दोस्तों इस वक्त मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ वो भी मैं शूट करते जा रहा हूँ और शूट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ इस मॉर्निंग वॉक का अनुभव लें और आप भी मेरे साथ में जितना मैं इन्जॉय कर रहा हूँ उतना आप भी इन्जॉय करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर में स्वागत है। इस वक्त शाम के 6 बजे और मैं अपने होटल के रूम में पूरा दिन सेकेंड डे जो मेरा था पूरा एक्सप्लोर करके इस वक्त मैं अपने रूम में आया हूँ और काफ़ी तक किया हूँ एक्सप्लोर करके। लेकिन सच कहूँ तो मैं और भी अभी घूमना चाहता था, लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ में हूँ तो मेरे फैमिली के दूसरे मेम्बर जो थे वो काफ़ी थक चुके थे, तो उनके साथ मुझे भी फिर से रिटर्न अपने होटल में आना पड़ा। दोस्तों सच कहूँ तो आज के दिन मैंने 3 जगहों को एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले मैंने जो एक्सप्लोर किया है वो सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कह दूं कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा महल है। सबसे पहले नंबर का जो महल है वो मैसूर का महल है और सेकंड नंबर पे अगर कोई बड़ा महल है पैलेस है तो वो है सिटी पैलेस, जिसका मैंने पूरा वीडियो शूट किया और उसका एक एक चप्पा चप्पा मैंने उसका शूट किया। और सारी जानकारी मैं वॉइस ओवर में मेरे वीडियो के दरमियान डालूंगा, जैसे मैंने जोधपुर के वीडियो में वहाँ के फोर्ट के बारे में सारी जानकारी मैंने डाली थी। दूसरी जगह अगर मैंने जो आज एक्सप्लोर की है, जो मॉर्निंग का लंच मैंने किया है वो झील कैफे में किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह थी। वहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी था। फूड के बारे में जानकारी और जगह को भी मैंने शूट किया है, जिसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे। दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कभी इस वीडियो को देखें तो ज़रूर इस पर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों सिटी पैलेस टूर करने के बाद में अभी बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, जिसके सामने सीधी से सीधा लेक दिखता है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है होटल झील, झील कैफे कहते हैं इसे। तभी आपको मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ और यहाँ का पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है और ये जगह कितनी खूबसूरत है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको मैं। दोस्तों इस वक्त मैं आपको अमराई घाट के ऊपर मौजूद ऊपरे रेस्टोरेंट में लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद है। इस वक्त मैं इसके रूफ टॉप पे खड़ा हूँ, रूफ टॉप पे, और मेरे जो बैक साइड आप अगर आप देख सकते हो तो पूरा जो है वो पिछोला लेक है, या इसे अमराई घाट भी कह सकते हो, क्योंकि उस तरफ जो है वो पिछोला लेक कहा जाता है और इस तरफ जो है वो अमराई घाट कहा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है, यहाँ पे बैठ के आप ड्रिंक कर सकते हो, फूड ले सकते हो, जो भी आपका दिल करे, क्योंकि इससे बेहतरीन लोकेशन मुझे नहीं लगता कि आपको और को मिल सकता है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ कराऊँ और एक से एक ऐसी जगह बताऊँ जहाँ पर बैठ के आप इन्जॉय कर सको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जगह आपको अच्छी लगेगी, और साथ ही में यहाँ पे क्या अच्छा खाने के लिए मिलता है, क्या इसका मेन्यू है, वो सब कुछ भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और शूट करने वाला हूँ। इस वक्त मैं आपको ऊपर के ऊपर भी एक और रूफ टॉप तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर एक और रूफ टॉप है
जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। जगह बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यकीन मानिए दोस्तों, ग्रीनरी देखिए आप, इसका लुक देखिए, लोकेशन देखिए, प्रॉपरली ऑन द लेक है ये, अमराई घाट के लेक के ऊपर मौजूद है और इससे खूबसूरत जगह मुझे नहीं लगती हो सकती है यहाँ पे। और सच बोलूँ तो मैं जब भी लेक के आसपास आता हूँ तो मुझे सारी जगह जो भी लेक के आसपास होती है मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो ये देखिए जगह, दिस इज़ द टॉप रूफ टॉप ऑफ दिस ऊपरे रेस्टोरेंट, जहाँ से मैं आपको शूट करके पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ और मैं इसका एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे, इस जगह की और ब्यूटी क्या है। देखिए मेरे राइट लेफ्ट साइड में ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर्स, यहाँ से ठीक राइट साइड में पूरा लेक और नीचे की तरफ रेस्टोरेंट। ऊपर का सेक्शन इस वक्त शुरू चालू नहीं हुआ है तो ऊपर भी किसी को बैठना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने शूट करने के लिए इनसे परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझसे हाँ कहा कि आप ऊपर जाके शूट कर सकते हो, तो मैं शूट करने के लिए पर्टिकुलरली इस वक्त ऊपर आया हूँ। देखिए जगह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुपर्ब है। इस वक्त दोपहर के करीब 2 बजे हुए हैं, आई डोंट थिंक कि ये राइट टाइम है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मेरे पास समय की बहुत कमी थी और मुझे काफ़ी कुछ चीज़ शूट करनी है तो मैं शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। और करीब करीब 4-5 जगहों को मुझे एक्सप्लोर भी करना है तो सभी जगहों पर जाके मुझे शूट करके आपको वीडियो बना के मुझे अपलोड करना है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप कहाँ पे यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हो। और शाम के टाइम तो मैं समझता हूँ कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। 4-5 बजे अगर आप यहाँ पर आओ और सनसेट को इंजॉय करो तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत रोमांटिक सी प्लेस है। दोस्तों वैसे यहाँ पे फूड के लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ है और काफ़ी सारे ऑप्शंस है वेज और नॉन वेज में, लेकिन क्योंकि मुझे 3-4 जगहों पे जाना है और 3-4 जगहों पे जाके 3-4 कैफेज़ को मुझे शूट करना है तो मैंने बहुत सारा ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड का ऑर्डर दिया है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इस लेक के ऊपर मौजूद किसी भी कैफ़े में चले जाओ, फूड आपको 100% बेस्ट ही मिलने वाला है। तो मैं ये अतिशयोक्ति हो जाएगा कि आप यहाँ पे ये ऑर्डर कीजिए, वहाँ पे वो ऑर्डर कीजिए, आप कहीं पर कुछ भी ऑर्डर कीजिए, वो फूड हर जगह पे आपको बहुत ही सुपर और टेस्टी ही मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं थोड़ा सा पीटा ब्रेड को एंजॉय करता हूँ और आप सभी भी इसको एंजॉय कीजिए। बाय, थैंक यू। दोस्तों ऊपरे कैफ़े का एक और रेस्टोरेंट है यहाँ पे जिसका नाम है 1559, वो भी बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, जहाँ कल मुझे किसी ने कहा था कि उसका फूड बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पे आने वाले सारे टूरिस्ट जो जिनको पता है कि टेस्ट क्या होता है या जिनका सिलेक्शन बहुत ही चूज़ी होता है वो 1559 में जाते हैं। और अमरिया घाट पर मौजूद ऊपरे रेस्टोरेंट, ऊपरे कैफ़े जो है, इसका भी फूड बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और क्राउड बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट तो लेक पे मौजूद ये प्रॉपर्टी अपने आप में एक सुपर प्रॉपर्टी। आप जब कभी भी उदयपुर आए तो मैं फिर से एक बार आप सभी को इंसिस्ट करता हूँ कि आप ऊपरे कैफ़े पे ज़रूर 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 आए। ऊपरे की एक और खासियत है कि इनकी खुद की प्राइवेट बोट है, जिस बोट में मैं अभी राइड के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 700 रुपीज़ इस बोट के राइड के लिए है, जो कि करीब 30 मिनट्स के लिए है और राइड जो है वो सिटी पैलेस से होते हुए, लेक पैलेस से होते हुए 30 मिनट्स का ये राइड रहेगा, 700 उन्होंने कहा था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ रीज़नेबल कीजिए, तो उन्होंने मेरे लिए, इस वक्त देख सकते हो मेरे पीछे जो है वो बोट है जिस पर बैठ के मैं अभी 30 मिनट्स का एक राइड लेने वाला हूँ मेरे फैमिली के साथ में, तो उन्होंने जो है बहुत ही रीज़नेबल रेट में इस बोट को बुक किया है, 500 रुपीज़ मुझे कहा है 30 मिनट्स का पर पर्सन के लिए। तो एक प्राइवेट बोट पे बैठ के, प्राइवेटली बोट करके लेक को एक्सप्लोर करना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और वैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपको बता दूं कि मुझे वैसे भी जो बोट है, मुझे हमेशा जब मैं कभी बुक करता हूँ तो मुझे प्राइवेट ही पसंद है, ताकि एक अच्छा फील आए, उसका एक अच्छा मज़ा आए, उसका एक फील ही अलग होता है। आपके साथ में दूसरे काफ़ी लोग बैठे होते हैं तो आप अच्छे से व्लॉग भी नहीं कर सकते हो, अच्छे से कुछ शूट भी नहीं कर सकते हो, सारे लोग आपको देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप फैमिली के साथ में हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्राइवेट बोट ही कीजिए, इसका मज़ा ही कुछ और है।
दोस्तों इस वक्त ठीक मेरे पीछे सिटी पैलेस है और इस वक्त जो यहाँ पे मेरे पीछे वो लेक पैलेस है। एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि जब कभी भी आप बोट राइड पे कहीं पर भी निकलो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, लाइफ जैकेट पहन के ही जाए। कई बार बोट में बैठने के बाद वहाँ के जो जो बोट चलाने वाले हों तो वो आपसे ये कहते नहीं है कि आप लाइफ जैकेट पहनिए, लेकिन ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए वो कहे ना कहे लेकिन आपको लाइफ जैकेट पहनना चाहिए ताकि आप अपनी खुद की सुरक्षा आप कर सके। मेरा व्यक्तिगत ही अनुभव रहा है और मैंने खुद अपने आंखों के सामने कई ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि जिससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएँ हो सकती है। वैसे मैं आपको कहूँ कि मेरी खुद की एक कैटरमरीन भी है जिसमें 60 से 70 लोगों की कैपेसिटी और हम उसे इवेंट के लिए देते हैं, तो मैं सेफ्टी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसको मैं कभी ब्रेक करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जब कभी भी आप कहीं पर भी जाएँ और बोट राइड करें तो सेफ्टी नॉर्म्स को पहले फॉलो कीजिए। मैं बाइक राइड भी करता हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सेफ्टी नॉर्म्स को पहले फॉलो कीजिए। आप जो भी उसके गियर्स है बाइक चलाते वक्त भी, राइडिंग के टाइम भी, उसके गियर्स को आप पहने, भले 10-15 हज़ार का खर्चा होता है जैकेट में, ग्लव्स में, नी पैड में, आप वो लीजिए। बोटिंग राइड पर जाते हो तो आप उसके लिए जैकेट पहनिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही बार नहीं कर रहा है आपको अपने जीवन में कई बार इस सुखद घटना का अनुभव लेना है। तो आपका खुद का सुरक्षित होना और आपके परिवार का सुरक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, तो यही मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह चौहान। ये लेफ्ट में सिटी पैलेस है, राजा का महल, जो अभी रियल राजा रहते हैं अरविंद सिंह महाराणा मेवाड़, ये उनका पूरा प्राइवेट पैलेस है। ये लेक देख रहे हैं, ये भी पूरा प्राइवेट है। उधर वाइट वाला बिल्डिंग है जो होटल ताज लेक पैलेस, पहले ओल्ड महल था, अभी होटल में कन्वर्ट हो गया है। इस वक्त ठीक सामने जो मेरे आपको जगह दिखा रहा हूँ ये होटल ताज का पिकअप पॉइंट है और ताज के सारे जो पिकअप जो कस्टमर्स होते हैं जो भी यहाँ पे रहने के लिए आते हैं उनका पिकअप पॉइंट बोट में यहीं से होता है और यहीं से फिर इस लेक में वो बोटिंग करके एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त ठीक सामने जो एक पहाड़ के ऊपर एक लाइन जैसी जो चीज़ देख रहे हो वो सिटी वॉल के नाम से जानी जाती है, जिससे कि सिटी में आने के लिए बैरिकेड किया जाता है किसी को भी। और इस वक्त थोड़ा जो सामने अगर आप देख पाएंगे तो मंदिर है जो करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर जाने के लिए आप रोप वे काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हो। उदयपुर के गवर्नमेंट ने रोप वे का रोप वे की फैसिलिटी की है ताकि आप करणी माता के मंदिर में जाकर उसका दर्शन कर सकें। इस वक्त जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हो इसे दूध तलाई कहते हैं। ये जो छोटा सा बीच में आप गैप देख रहे हो यहाँ से लेक का पानी अंदर जाता है और तो दूसरी तरफ एक छोटा सा लेक है जिसे दूध तलाई के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही फेमस जगह है उदयपुर की। जब कभी भी आप उदयपुर आओ तो इसे भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इस वक्त जो आप मेरे ठीक पीछे जो जगह देख रहे हो, जो आइलैंड जैसी जगह है, उसका नाम है जग मंदिर, जो कि सिटी पैलेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपको यहाँ जाना है तो सिटी पैलेस से आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है और ये एक रेस्टोरेंट और गार्डन जैसी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे मुंबई की या कहूँ तो इंडिया की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है। बहुत ही खूबसूरत जगह, जब कभी आप यहाँ पे आए तो इसे भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों इस वक्त ठीक जो मेरे पीछे प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसे उदय विलास के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही लग्जरी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप जब कभी भी यहाँ पे आए और आपका बजट बहुत ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये।